इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन पेज को। इससे पहले हमने दो सेशन बनाया है, उसको आप ज़रूर देखें, तब आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाने का एक तरीका मालूम चलेगा HTML के माध्यम से, स्टैटिक पेज। ठीक है, तो इससे पहले मैंने टेबल लिया था, और टेबल के अंदर हम यूज़ करेंगे क्या, TD इस्तेमाल करेंगे, और जब भी हम यूज़ करें तुरंत इसको क्लोज भी करना आना चाहिए हमें तुरंत, क्योंकि एक अच्छा तरीका होता है काम करने का। यहाँ पर यूज़ करिए TR, ठीक है ना। इससे क्या आता है आपको पता ही है, TR से आता है रो और TD से आता है कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ आ चुका है, कंट्रोल एस करो, इसको रिफ्रेश करके देख लो क्या आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब इसमें हम कुछ कंटेन रखेंगे तब तो हमें मालूम चलेगा कि यहाँ पे क्या है। ओके, और यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया H1 टैग, और हम बता देते हैं यहाँ पे क्या कि हम क्या बना रहे हैं। हमने रख दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर कंट्रोल एस कर लो, कंट्रोल आर प्रेस करो, आपको ये दिखेगा। ठीक है, इसके बाद ही यहाँ पर आप चाहते हो सेंटर वगैरह चाहते हो तो यहाँ पर यूज़ कर लो सेंटर। इस टैग को ओपन और क्लोज कर लो, जो आप टेबल इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ से कंट्रोल एक्स करो, सॉरी, ये जो आपका सेंटर है, कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल पेस्ट कर लो इसका, और टेबल के बाहर इसको सेट कर लो, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, ये जो मैटर आएगा पूरा पूरा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, हमने तो बॉक्स ले लिया है, गुड। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चाहते हैं, जैसे क्या, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम, यहाँ पर इसको हम सही कर लेते हैं, फर्स्ट नेम। एक को आपने देखा होगा फॉर्म वगैरह में लिखा होता है फर्स्ट नेम, इसके साथ ही इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करके पेस्ट कर दो, यहाँ पे यूज़ कर लो क्या, इंटरफेस कर लो। देखो यहाँ पर हमें यूज़ करना है इनपुट टैग, ठीक है, यूज़ किया हमने इनपुट टाइप, इससे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स, इसको हमें यहाँ से क्लोज करना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आए ये भी TD में आए। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर लिया, कंट्रोल एस किया, अब इसको रिफ्रेश करके देख लेते क्या आ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नेम आ गया ये वाला ब्लॉक, सेकेंड नेम आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, लास्ट नेम। लास्ट नेम हमने दिया, इसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, सेम सेम कॉपी देन पेस्ट हियर, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा, कंट्रोल एस किया कंट्रोल आर, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट नेम है ये लास्ट नेम है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, बाकी हमें फादर नेम मदर नेम ये सब चीज़ें चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने इसको कॉपी किया, लेकिन हम इसको क्या करेंगे TR के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि तो हमें एक नया कॉलम चाहिए। देखो यहाँ पर ये क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये एक्स्ट्रा है TD, ठीक है, इस चीज़ को आप हटा दो यहाँ से, यूज़ करें यहाँ पर TR, एक नया रो चाहिए हमें, और इसमें जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दीजिए, या लिखिए फादर नेम, नेम, इसके बाद क्या करिएगा यहाँ पे मदर नेम ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐसे कॉपी कर लीजिए सीधा सा, या आप चाहते हो कि फादर नेम मदर नेम सामने सामने हो तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, कोड रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए मदर नेम, कंट्रोल एस करिएगा और कंट्रोल आर करिए, रिफ्रेश, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फादर नेम मदर नेम आ गया। इसके साथ ही आप कुछ और चीज़ चाहते हो, जैसे क्या, यहाँ पे इंटर करो, पेस्ट किया, अब यहाँ पे टाइप कर लो डेट ऑफ बर्थ, यहाँ लिख दो डेट ऑफ
बर्थ, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे डेट, ठीक है, ये कैलेंडर फॉर्मेट आ जाएगा। कंट्रोल एस करो और कंट्रोल आर करके देख लो, ये आपका ये आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ हमने बना लिया, इसको हम क्या करेंगे, ये देखो टी आर हमारा ओपन, एक मिनट, हम इसको मैं टी आर में बंद करना होगा, एक टी आर ओपन किया तो टी आर को बंद कर लो यहाँ से, और जो क्लोजिंग करो उसको सामने सामने रखो तो और भी अच्छा होगा काम करने में। इसको सीधे से कॉपी करो, कॉपी किया, इसको पेस्ट करते चलो। हमने डेटा बर्थ बना लिया, अब यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड दे दिया, कंट्रोल एस करो, कंट्रोल आर। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ये जो, इसको टेक्स्ट बॉक्स कर लो सीधा सा। टेक्स्ट देने के बाद क्या करो, हम यूज़ करेंगे जेंडर के बारे में, हमें ज़्यादातर कॉपी पेस्ट ही करना है, और यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा रेडियो, ओके। और यहाँ पे लिखना होगा ALT इज इक्वल टू, और हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, इसमें हम लेंगे अल्टरेशन के लिए, यानी कोई एक हमें सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे प्रेस करेंगे मेल, और मेल लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, सेम यहाँ पे इनपुट टाइप हमें लेना होगा, या इसको हम कॉपी कर सकते हैं डायरेक्टली, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, मेल की जगह फीमेल लिख देते हैं, ओके, सेव किया इसको। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने जेंडर भी बना लिया, जेंडर बनाने के बाद हमें इसको फिर पेस्ट करना होगा, सॉरी इस एरिया को भी कॉपी कर लेते हैं। हमें जो जो चाहिए हम वो हम सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर डिटेल वगैरह भरना चाहते हो भर सकते हो। इसमें क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहो तो वो भी बना लो यहाँ पे, क्योंकि हम फैशन शो से रिलेटेड बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे वैसे कुछ बनाइए। यहाँ पे कर लीजिए एनी गवर्नमेंट आईडी, ठीक है, यहाँ पे एनी गवर्नमेंट आईडी चल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट टाइप रेडियो, सॉरी ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, एक टी आर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे TD का, और इसमें हम क्या चाहते हैं, हमने लिखा कि क्वालिफिकेशन, और इसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन, जिससे हमें मिलेगा ड्रॉप डाउन, ऑप्शन का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, देखो एक चीज़ ख्याल रखो, जब हम इसको सेलेक्ट यूज़ करते हैं ना तो ये और भी अच्छे तरीके से काम करता है। अगर देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, हमने लिख दिया हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है, और इसको क्या करो, सेव करो, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, ठीक है। ये चीज़ कहाँ मिलेगा, बाहर मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि तो हमें इसको अंदर लाना है, तो अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका हमारे पास होगा, कौन सा टूल यूज़ करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंतर्गत सारे मैटर होते हैं, हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे सेलेक्ट, ठीक है। और एक और काम ख्याल रखिएगा, जो आप काम कर रहे हो यहाँ पर, तो इसको TD में डाल दो, एक सीरीज के तहत काम करेगा ये, ठीक है, इसको यहाँ पर लॉक कर दो TD, सेव किया, इसको रिफ्रेश कर लो। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा ये एक ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पे फीमेल वाला, ठीक है, तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। अभी जो हम बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बॉर्डर हम रिमूव कर देंगे, बॉर्डर की जगह हम नन कर देंगे, तो ये बॉर्डर रिमूव हो जाएगा, केवल हमें बॉक्स से मतलब है, ठीक है।
जब हम काम करते हैं उस वक्त हम लोग बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं, जब बॉर्डर काम हो जाता है फिर इसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और एक काम कर लो, यहाँ पर ये जो टी डी इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे, इसको यहाँ से हटा दो, कंट्रोल एक्स करो, ठीक है। अभी कंट्रोल एक्स किया, देखो ये आ गया इधर, क्योंकि वो टी डी सेपरेट कर रहा था पार्ट को, देखो यहाँ पे हाई स्कूल आ गया। अब इसको समझो यहाँ पे क्या करना है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ लिख दो सेलेक्ट, इसको पेस्ट कर दो जितना आप चाहते हो, आपने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे हमने कुछ टाइप कर लिया, ठीक है। टाइप करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स दिखाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इनपुट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, क्लोज किया। इस इसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे, कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ दिख रहा है, एक काम करिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के बाहर में बनाना है ना चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हटा दिया, सेलेक्ट के बाहर बना दीजिए इसको, पेस्ट करिए, इंटर किया इसको, कंट्रोल एस किया और कंट्रोल रिफ्रेश कर लीजिएगा, अब ये बाहर दिखेगा। इसको हम टी डी के अंदर रख देंगे तो यहाँ पे ब्लॉक में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये जो हमारे पास सेलेक्ट टूल था, हम यहाँ पे एक टी डी लिया हमने और इनपुट टाइप में हमने टेक्स्ट दे दिया और इसको हमने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, अदर्स। कोई अगर यानी इसमें से कुछ ना हो, डिप्लोमा वगैरह हो, तो वहाँ पर बंदा यहाँ पर टाइप कर सकता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे हमें क्वालिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वालिफिकेशन चाहते हैं उसमें ब्लॉक में। इसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या करेंगे, टी आर का हमने इस्तेमाल किया, और ये थोड़ा फॉर्म बड़ा हो जाएगा तुम्हें बनाना पड़ेगा वैसे भी। ओके, हमने यूज़ किया टी डी, हमेशा इसको क्लोज कर लिया करिएगा, ठीक है, जब भी काम करिए। यहाँ पे हम रखेंगे कॉन्टैक्ट, इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करिए, यहाँ पे टाइप कर लीजिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये कॉन्टैक्ट का आ गया। इसके बाद हमें प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, इसको हमें कॉपी करना होगा सेम सेम, इस इसको हमने सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, सेम सेम, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेशनैलिटी, इसके बाद देखो ये जो मैटर है इसको ना कॉपी करके इधर रख दो, ये सही रहेगा, यहाँ पर इसी में मिक्स कर दो, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने यूज़ किया है कुछ और, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट कर दो, यहाँ लिख दो पेरेंट्स कॉन्टैक्ट, पेरेंट्स कॉन्टैक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस करो और इसको रिफ्रेश करके देख लो, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। और जो नेशनैलिटी के बारे में यहाँ पे ऑप्शनल बना सकते हो, और यहाँ पे क्या करो, नेशनैलिटी हो गया। इसके बाद अब बात करेंगे पार्टिसिपेट मेजरमेंट, जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है उसका मेज़रमेंट वगैरह क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टाइप करना होगा यहाँ पर हेडिंग टैग, एच वन टैग इस्तेमाल नहीं करेंगे, H1 H2 इस्तेमाल करेंगे, हम लिखेंगे पार्टिसिपेट मेजरमेंट, और इस H1 यानी H2 टैग को सेव करेंगे। देखो इसको भी एक सीरीज में लाना पड़ेगा ना, हमें सीरीज में लाएंगे तब काम होगा अच्छे से,
ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा वो समझ लो। यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें भी थ्री, लेकिन थ्री में कोल स्पैन का इस्तेमाल करना होगा। चार अगर है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, कोल स्पैन इज इक्वल टू फोर, क्योंकि चार कॉलम है तो चार कॉलम को भी हमें स्पैन करना पड़ेगा, और कंट्रोल आर करेंगे, ये देखो यहाँ पे आ गया, समझ में आया। इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन फीड कर लिया, जैसे कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका मेजरमेंट क्या है, हाइट है, वेट है, वेस्ट है और हिप्स है, बस्ट है, लैंग्वेज कौन सा जानता है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, हॉबीज़ क्या है, गोल क्या है और डिस्क्राइब है। बहुत आसान है, इसको TRTD में आपको सेव कर लेना आराम से, कंट्रोल एस प्रेस करो और इसको क्या करो कंट्रोल आर कर लो, यहाँ पे ये पूरा पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, और ये जब डिस्क्राइब हो जाए तो क्या करना है आप समझो। अब हमें इमेज वगैरह लगाना चाहते हो तो इमेज वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर हमें इमेज लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टाइप कर लेंगे इनपुट फाइल, और यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए इमेज, सेव करिए, इसको रिफ्रेश करिए। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इस चीज़ को यहाँ पे नहीं नीचे चाहिए तो नीचे मंगा लेते हैं। हमने क्या किया, वही काम कर लिया, TR लेकर के TD ले लिया और यहाँ पे हमने इमेज दे दिया। और इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप PHP में वर्डप्रेस में काम करते हैं तो यहाँ पे और भी कोड लिख करके और क्या करना था, इसको डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल यूज़ करने वाले केवल स्टैटिक पेज, ठीक है ना, फॉर्म बनाने के लिए। और यदि इसको अपलोड करने वाला प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे केवल हम अभी स्टैटिक फॉर्म बना रहे हैं। ओके ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं आगे। अब हम बनाएंगे बटन। यहाँ पे हमने क्या किया, TR लिया और TD ले लिया, यहाँ पे कोल स्पैन दे दिया, यानी चार कॉलम को आपस में मर्ज कर दे। इनपुट टाइप लिया हमने, यहाँ पर बटन दे दिया और वैल्यूम लिख दिया हमने सबमिट। ठीक है, अब इसको सेव करके यहाँ से क्या करो, इसको रिफ्रेश कर लो। अब इसको देख सकते हो यहाँ पर सबमिट बटन आ गया। ठीक है, यानी अपने काम भी कर लिया और सबमिट भी हो गया। ये हमारे पास जो बॉर्डर है, बॉर्डर को हम थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं तो हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने दिया 10, और यहाँ पे कलर वगैरह देना चाहते हो तो यहाँ लिख दो कलर, BG कलर। ठीक है, देखो BG कलर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब वाइट कलर रहेगा तो भी ठीक है। ओके, यहाँ यूज़ कर लो वीट कलर, सेव करो और इसको रिफ्रेश करके देख लो एक बार। ठीक है, तो वो वीट कलर में सेट हो गया। और ठीक है, ये फॉर्म बन चुका कंप्लीट फॉर्म। अब हमें क्या करना है, सब में हम यूज़ कर लेंगे, अपना फूटर भी यूज़ कर लेंगे तो सही रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज बन चुका, होम पेज बन चुका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और हम देख लेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसके बैकग्राउंड में कलर। देखो, सबके बैकग्राउंड में एक ही कलर रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे क्या यहाँ पर होगा, बॉडी, बॉडी में जो हमने क्या यूज़ किया था, इंडेक्स में चेक कर लो, इंडेक्स में हमने कुछ नहीं यूज़ किया है। हम यूज़ कर लेते हैं लिखते हैं बिजी कलर इजिकल टू, और यहाँ पर हमने इस्तेमाल कर लिया बिजी कलर के साथ रॉयल ब्लू। ठीक है, सेव करो, इसको रिफ्रेश कर लो एक बार, तो रिफ्रेश होगा लेकिन फिर भी वो समझ नहीं आएगा आपका मैटर। ऐसा करो, इसको वाइट ही छोड़ दो, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। या इसको कर लो वाइट स्मोक, वाइट स्मोक भी चल सकता है या वीट से चल जाएगा। सेव करो, इसको रिफ्रेश कर लो, ये पेज सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपको टेक्स्ट भी दिख रहा है और मैटर भी दिख रहा है। एक और चीज़ ख्याल रखो, यहाँ पे हम प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ना फर्स्ट नेम, तो मैं तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं प्लेस होल्डर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे प्लेस होल्डर। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट नेम, इससे क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया, ये दिख रहा है आपको, जब हम देखते हैं टेक्स्ट तो ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब प्लेस होल्डर, तो उसके स्थान पे वो बताता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है ना, आप बता सकते हो उन चीज़ को, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये चीज़ें आप सेट कर सकते हो जहाँ जहाँ चाहिए। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद
इसको कॉपी कर लिया आपने, जहाँ जहाँ आपको इस्तेमाल करना है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ लिख दो आप लास्ट नेम, ठीक है, बहुत आसान होगा इसको। ठीक है, कंट्रोल एस करो, इसको रिफ्रेश कर लो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये बॉक्स बताता रहेगा, ये काफ़ी आसान रहता है। जैसे मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिखा है, कॉन्टैक्ट में जाकर के लिख दो यहाँ पे इंटर योर मोबाइल नंबर ओनली डिजिट, क्योंकि डिजिट में ही रहेगा तो लिख सकते हैं यहाँ पे 10 डिजिट। ओके, ये सब चीज़ें आप बना सकते हो प्लेस होल्डर के माध्यम से। ओके, तो ये इस तरीके से ये फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। ओके, ये अगर ये आपको सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर ये आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं गैलरी को, कैसे हम गैलरी को मैनेज करते हैं, कैसे पूरा एकदम एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।